हाय गाइस, कैसे हैं सब? मैं अभी सो के उठी हूँ, जल्दी नींद खुल गई थी तो अभी बहुत सारे काम करने हैं आज। ड्राइंग रूम की सफाई करूँगी, पौधों का ख्याल करूँगी, गाड़ी सफाई करवानी है, बहुत सारी सब्जियाँ पड़ी है उनको भी किसी को देना है, वो देखना है कि किसको देना है, फिर कुछ बनाऊँगी, फिर खाऊँगी। आज बहुत सारा काम, इतना काम है कि मैं परेशान हो जाऊँगी आज। और बताइए, आप लोग कैसे हैं? दिनचर्या मेरी आज की ये है। चलिए मिलते हैं कुछ कुछ करते हुए। अभी देखती हूँ, पहले तो मैं चाय पीऊँगी, चाय पी के फिर अभी लंच की तैयारी करूँगी, देखती हूँ क्या लंच मिलता है मुझे आज। अब मैंने चाय पी ली है, अब मैं दोबारा वहीं आके बैठ गई हूँ क्योंकि सॉक्स उतारे हुए हैं। मौसम तो गर्म हो रहा है लेकिन सॉक्स उतारे हुए हैं ना, तो रजाई के अंदर पाँव डाला हुआ है, तो आज थोड़ा सा नेल साफ कर रही हूँ। बहुत दिन हो गए नेल पॉलिश लगाए हुए, तो मैं सोच रही हूँ कि नेल पॉलिश लगाने के लिए ये वाला कलर लगा रही हूँ। कैसा है? ग्लिटर वाला है, ब्लू कलर है या ग्रीन, ऐसे ही कुछ है जो नया लेके आई थी। चलिए लगा के बताऊँगी। थोड़ा मैंने सोचा कि आज अपने ऊपर भी ध्यान दिया जाए क्योंकि ठंड हो रही थी ना, तो बिस्तर से निकला ही नहीं जा रहा था। तो आज मैं निकल के बहुत सारा काम किया है अभी, और करके फिर आई हूँ, और क्या किया है वो मैं आपको दिखाऊंगी, अभी उठते ही दिखाऊंगी। और कल मैं सोच रही हूँ एक सोलो ट्रिप मारने के लिए, क्योंकि अब थोड़ा मौसम ठीक हो गया है ना, तो सोलो ट्रिप मैं सोच रही हूँ अब राजस्थान की साइड जाने के लिए। तो अब देखो किधर निकलती है गाड़ी मेरी, तो फिर मैं कल बताऊँगी, एक एक जगह बताती हुई जाऊँगी। चलिए मिलते हैं थोड़ी देर में। आज मैंने दोपहर को खाया वही दाल चावल और चोखा, बड़ा मज़ा आता है खाके। खाके देखिएगा आप भी कभी। आज मैंने आलू नहीं डाला था, सिर्फ बैंगन और टमाटर डाल के बनाया था। अब रात को देखती हूँ क्या बनाऊँगी। आज काम इतना ज़्यादा था कि नहाना भी नहीं हो पाया मेरा, नहा भी नहीं पाई। आप लोग कैसे हैं बताइए? आज का ब्लॉग बिल्कुल छोटा सा बना रही हूँ, और दोपहर को खा के सो गई थी। अभी मैंने दोपहर की चाय पी है शाम की, और कल राजस्थान जाके नहीं कहीं और का सीन बन रहा है अभी, देखो कहाँ जाते हैं। टिकट होने पे पता लगेगा, तो मैं कल ही बताऊंगी आपको कि कहाँ जा रही हूँ। एयरपोर्ट पे उतर के फिर आपको बताऊंगी कि कहाँ पहुँच गई हूँ मैं। अभी शाम को देखती हूँ क्या बनाऊंगी। अभी मैंने एक अमरूद खाया है, शाम को एक अमरूद अच्छा लगता है खा के, उसका बीज निकालो और फिर खाओ, बहुत मज़ा आ रहा है खा के। आजकल अमरूद भी देखो कितने बड़े बड़े आ रहे हैं, बहुत बड़े बड़े अमरूद आ रहे हैं। चलिए मिलते हैं शाम को। वैसे मैं बता देती हूँ आपको कि मेरा जो जाने का प्रोग्राम था राजस्थान साइड में, वो था रणथंबोर का, तो रणथंबोर का कैंसिल हो गया था, फिर बन गया था गोवा का, क्योंकि गर्मी हो रहा है तो वहाँ, तो गोवा में तो गर्मी और सर्दी का कोई सीन ही नहीं है। तो कल फिर वो भी कैंसिल हो गया, फिर मैंने सोचा कि गोवा नहीं जाकर रणथंबोर ही जाया जाए, तो रणथंबोर निकलने के लिए अभी 10 साढ़े 10 बजे निकलूंगी, तो 5-6 घंटे लगेंगे। तो 5-6 घंटे के बाद फिर हम लोग, मैं शाम को 6 बजे तक तो पहुंच जाऊंगी। तो कहाँ रुकूंगी, कहाँ कैसे खाऊंगी, क्या करूंगी, सारा रास्ते मैं आपको दिखाती हुई जाऊंगी। तो रणथंबोर की सैर कराती हूँ मैं आपको, आइए मिलते हैं रणथंबोर में। हेलो गाइस, सुबह के बज गए हैं 7:30, और मैं उठ गई हूँ, चाय पी लिया है मैंने और 2 ब्रेड भी ले लिया उसके साथ। अब बस गीजर ऑन करके नहाने के लिए ही घुसूंगी। रात को मैंने बाय बाय नहीं किया था आपको, तो मैंने सोचा अभी बाय बाय कर दूं, क्योंकि दिन भर का रूटीन आज मैं दिखाने वाली हूँ। तो पहले तो मैंने सोचा था कि राजस्थान की साइड में जाऊंगी, फिर मेरा कल कैंसिल हो गया था, फिर सोचा था कहीं और जाऊंगी, तो कहीं और जाने का प्रोग्राम बना नहीं, तो राजस्थान साइड में जो था उधर ही जाना हो रहा है मेरा। तो मैंने सोचा ब्लॉगिंग का आज एंड करूँ, तो फिर दिन भर की जो दिनचर्या आज मैं वो बताऊँगी, कैसे जा रही हूँ, क्या क्या देख रही हूँ, कहाँ रुक रही हूँ, कहाँ खा रही हूँ,
और ये सारी चीज़ दिखाऊंगी आज आपको। तो मैंने सोचा कि आज अभी इसका एंड कर दूं, तो जब मैं यहाँ से निकलूंगी तो यहाँ से शुरुआत से ही आपको दिखाना शुरू कर दूंगी कि कहाँ जा रही हूँ। वो वहाँ पहुँचने के बाद बताऊंगी या बीच में बताऊंगी? नहीं, बीच में बताऊंगी, तभी तो आपको पता लगेगा कि कहाँ से कैसे निकल के जाना है आपको। वहाँ कौन कौन जाता है, कितने लोग जाते हैं, मुझे आइडिया नहीं है इसका, क्योंकि मैंने कम सुना है उधर की लोग जाते हैं, तो जाते होंगे तो मुझे पता नहीं लगता होगा। तो आज मैं कैसे जा रही हूँ और कहाँ कहाँ रुकूंगी रास्ते में, कौन से रोड से जाना सही रहेगा, मैं अभी मैप लगा के ही जाऊँगी गूगल से, तो मैं आज वहाँ का बताऊँगी। तो चलिए अभी गुड मॉर्निंग करके, गुड मॉर्निंग तो मैंने किया नहीं आपको, तो गुड मॉर्निंग कर रही हूँ, और 7:30 बज गए हैं, तो मैं अब दी एंड कर रही हूँ, अभी यहाँ पे ब्लॉग का एंड कर रही हूँ। फिर मैं आपको दिन में मिलती हूँ, 10:30 बजे मिलूंगी आपको मैं।